हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर एक बार फिर से बहुत स्वागत है। और आज हम बनाएंगे बिना टमाटर, बिना प्याज और बिना लहसुन के बहुत ही स्वादिष्ट पूरी के साथ खाए जाने वाली आलू की सब्ज़ी। इसके लिए हम लेंगे 4 उबले हुए आलू। आलू को हम अच्छे से धोकर इसमें 1/2 कप पानी डालकर कुकर में 2 से 3 विसल लगा लेंगे, जिससे इंस्टेंट आलू हमारे बॉईल हो जाएंगे। और अब हम इसे ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद हम इसके इस तरीके से छिलके निकाल लेंगे या छील लेंगे। सेम तरीके से हम सारे आलू को छील लेंगे। और अब हम आलू को हल्के हाथों से दबाते हुए इस तरीके से तोड़ लेंगे, जिससे आलू हमारे अच्छे से टूट भी जाएंगे और इसके बड़े बड़े चंक्स भी रहेंगे। हम इसे इसी तरीके से रहने देंगे, जिससे हमारे आलू की सब्जी इंस्टेंट हलवाई जैसी बनेगी। और अब हम एक कढ़ाई लेंगे, गैस ऑन करेंगे और कढ़ाई को हाई फ्लेम पे गरम होने देंगे। और अब आप देख सकते हैं कढ़ाई हमारी काफ़ी अच्छे से गरम हो गई है। तो हम इसमें 2 से 3 चम्मच सरसों का तेल डालेंगे। आप कोई सा भी कुकिंग ऑयल का यूज़ कर सकते हैं, और ऑयल की जगह आप घी का भी यूज़ इस रेसिपी के लिए कर सकते हैं। और अब हम इसमें 1/2 टीस्पून जीरा डालेंगे। जीरा डालकर इसे ऑयल में अच्छे से पकने देंगे। और हम इसमें 1/4 चम्मच सरसों के दाने डालेंगे। एक सूखी लाल मिर्च को इस तरीके से तोड़ के डालेंगे, और 2 से 3 हरी मिर्च को तोड़ कर, और एक टुकड़ा यहाँ मैंने अदरक को भी अच्छे से ग्रेट कर ली थी, इसे भी हम ऑयल में डालेंगे। और गैस का फ्लेम मीडियम कर लेंगे। मीडियम फ्लेम पे इन सभी इंग्रेडिएंट को हम 2 से 3 सेकंड के लिए अच्छे से चलाते हुए भून लेंगे। और अब हम इसमें 1/4 चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर डालेंगे, और गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे, जिससे हमारे मसाले जलेंगे नहीं। और अब हम इसे भी अच्छे से ऑयल में 2 से 3 सेकंड के लिए चलाते हुए मिक्स कर लेंगे, जिससे हमारा हल्दी जल्दी पक जाएगा और काश्मीरी लाल मिर्च की वजह से इसमें कलर बहुत ही अच्छा आएगा। और अब हम इसमें 1 चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे। आप दरदरा कुटा धनिया का भी यूज़ कर सकते हैं। धनिया पाउडर डालकर हम इसे भी ऑयल में 15 से 20 सेकंड के लिए अच्छे से मिक्स करते हुए पका लेंगे, जिससे धनिया का भी कच्चापन ख़त्म हो जाएगी। और अब हम इसमें मैश किए हुए आलू डालेंगे। आलू डालकर मीडियम फ्लेम पे हम आलू को भी मसालों के साथ अच्छे से चलाते हुए मिक्स कर लेंगे और इसे भून लेंगे, जिससे आलू का फ्लेवर बहुत ही बढ़िया मसालों के साथ आएगी। और आप बीच बीच में बड़े टुकड़ों को भी इस तरीके से स्पैचुला से दबाते हुए कट कर लेंगे। और हम इसे मीडियम फ्लेम पे ही 2 मिनट के लिए चलाते हुए भून लेंगे, जिससे मसालों का बहुत ही बढ़िया खुशबू आने लगेगी। और अगर आपको इसी सब्जी में टमाटर डालना है, तो आप इसी टाइम पे टमाटर भी डाल सकते हैं। टमाटर डालकर हम इसे भी अच्छे से इस तरीके से भून लेंगे, जिससे टमाटर हमारे सॉफ्ट हो जाएंगे। दोस्तों, अगर आपको मेरी रेसिपी या वीडियो अच्छी और हेल्पफुल लग रही हो, तो मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें। और अब आप देख सकते हैं आलू हमारी बहुत ही अच्छे से मसालों के साथ भुन गई है। तो हम इसमें 1/2 ग्लास पानी डालेंगे। पानी यहाँ मैंने नॉर्मल रूम टेम्परेचर का ही यूज़ की हूँ। गैस का फ्लेम हाई कर लेंगे 20 से 25 सेकंड के लिए, जिससे पानी में इंस्टेंट बॉयल आ जाएगी। और अब हम इसे ढक करके मीडियम फ्लेम पे 1 मिनट के लिए पकने देंगे। 1 मिनट हो गए हैं और आप देख सकते हैं पानी में बहुत ही अच्छा सा उबाल आ गई है। और हम इसे एक बार फिर से अच्छे से चलाते हुए आलू को ग्रेवी के साथ मिक्स कर लेंगे। और आलू वाली सब्जी हमारी फीकी ना लगे, इसके लिए हम इसमें 1/2 टीस्पून या स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। आप अगर इसे व्रत के लिए बना रहे हैं, तो सेंधा नमक का भी यूज़ कर सकते हैं। 1/4 चम्मच गरम मसाला डालेंगे। और इन सभी इंग्रेडिएंट को हम एक बार फिर से आलू के ग्रेवी के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सब्जी हमारी एकदम चटपटी और हलवाई स्टाइल लगे, इसके लिए हम इसमें 1 चम्मच आमचूर पाउडर ऐड करेंगे। आमचूर पाउडर की जगह आप इसमें 1 चम्मच इमली का पल्प भी यूज़ कर सकते हैं। और आमचूर पाउडर डालकर हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और आप देख सकते हैं ग्रेवी हमारी पहले काफ़ी पतली थी, लेकिन जैसे जैसे ये आलू के साथ पक रही है, काफ़ी थिक होते जा रही है। हम इसमें 1 चम्मच कसूरी मेथी ऐड करेंगे और इसे ढक करके 1 मिनट के लिए पकने देंगे। 1 मिनट हो गए हैं और ग्रेवी हमारी ऑयल भी छोड़ रही है।
और अब आप देख सकते हैं हमारी इंस्टेंट आलू की सब्जी पूड़ी के साथ खाने वाली बनके तैयार हो गई है। गैस का फ्लेम इस टाइम पे ऑफ कर देंगे और अब हम इसके ऊपर बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड करेंगे। हरा धनिया है तो आप इसमें ज़रूर डालें और नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। बिना हरा धनिया के भी ये बहुत ही ज़्यादा फ्लेवरफुल और टेस्टी लगेगी। और अब आप देख सकते हैं हमारी सिर्फ 5 मिनट में एकदम टेस्टी हलवा स्टाइल आलू की सब्जी बनके तैयार हो गई है। तो चलिए अब हम इसे गर्मा गर्म सर्व कर लेते हैं। जब भी आपके घर में अचानक से मेहमान आ जाए तो आप इस रेसिपी को ज़रूर बनाएं। ये बहुत ही जल्दी बन जाती है और खाने में भी बहुत ही लाजवाब लगती है। और आप इस तरीके से इसे बना करके बच्चों के लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। और आप इस रेसिपी को ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, कभी भी व्रत में भी इजीली बना सकते हैं। और आप इसे चावल, पूरी, पराठा, चपाती किसी के भी साथ खाएं। ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट और लाजवाब लगने वाले हैं। और आप इसे 5 मिनट में घर के इंग्रेडिएंट से बनके तैयार हो जाएगी। और आप देख सकते हैं सब्जी हमारी बहुत ही लाजवाब और टेस्टी लग रही है। तो इस रेसिपी को घर पे ज़रूर ट्राई करें और अपना फीडबैक, एक्सपीरियंस मेरे साथ ज़रूर शेयर करें ताकि मैं आप सभी के लिए ऐसे ही ईजी और इंस्टेंट बनने वाली रेसिपी लाती रहूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।